राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी नेतृत्व के साथ मैराथन बैठक के एक दिन बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता एक बार फिर से प्रदेश की कमान कांग्रेस को सौंपेगी। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिए बिना एक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य रखने पर कभी न कभी मौका मिलता है। मुझे विश्वास है कि हाई कमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए, हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। देखते हैं कि अब विश्वास दिया गया है, हाईकमान विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी ने एक बार कहा था यासी अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। वहीं गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी जी ने एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका मिलता है। यह बात मैंने अपने दिल में बसा ली। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो मौके मिलेंगे। पहले भी मौके मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने गहलोत और पायलट की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद सोमवार को कहा था कि दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमत हैं और उनके बीच के मुद्दों का समाधान आला कमान करेगा। AICC महासचिव KC वेणुगोपाल ने यह भी कहा था कि गहलोत और पायलट पार्टी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया था। जबकि बैठक के बाद गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल अच्छी बातचीत हो गई, सबने अपनी अपनी बात कही। हमने कहा कि अभी कांग्रेस का चुनाव जीतना देश हित में है। मोदी जी और अमित शाह ने जो हालात बना रखे हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। आज संविधान और लोकतंत्र कहाँ है? ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विधानसभा चुनाव जीत कर आए और लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। अशोक गहलोत के बयान से साफ है कि वह सचिन पायलट के साथ मिलकर राजस्थान चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो अब देखना ये है कि सचिन पायलट भी पिछली बातों को भुलाकर कांग्रेस के पैमाने पर कितना खरा उतरते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।